उबिल्म तोम अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें करे और हम सब के दस्तखवा ही सजाए रखे आमीन जी फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग अल्लाह ताला सब को अपने अपने घरों में खुश रखे आबाद रखे आमीन तो जी आज हांडी घर की में मैं बनाने जा रही हूँ क्या बनाने जा रही हूँ बताए जी तो आज मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े पकौड़े बनाऊँगी मैं थ्री टाइप्स यानी कि तीन किस्म के पकोड़े होंगे मेरे पास एक आलू के तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा साथ रहिएगा स्किप ना कीजिएगा और रमज़ान में आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कमेंट्स पढ़कर इसी तरह साथ रहें पूरे रमज़ान तो इन शाह ती अच्छी, अच्छी और भी रेसिपीज़ आएंगी और आगे अल्लाह खैर रखे आ रही है ईद ईद आ रही है जी तो ईद पे भी इन ताला अच्छी अच्छी डिशेज़ आएंगी और चीज के अलावा क्या कुछ भी नहीं चलें फिर किचन में और बनाते हैं पकौड़े आज काफ़ी मौसम ही थोड़ा सा ना गर्म गर्म ही है गर्मी लग रही है आज खैर चलें जी किचन में चलते हैं बिसम तो जी पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन और बेसन मैंने लिया है एक पाव 250 ग्राम तो सबसे पहले बेसन को अच्छी तरह से छान लेते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने पर मैंने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है और यह है मेरे पास मैदा मैदा तकरीबन दो खाने के चम्मच ले लें और यह है चावलों का आटा यह भी दो खाने के चम्मच ले लें लहसन ले। पाउडर आधा चाय का चम्मच आप चाहें तो फ्रेश लहसन ले सकते हैं और जी यहाँ पर मेरे पास है सूखा पीसा धनिया आधा चाय का चम्मच है ये भी और यह काला नमक एक चुटकी है अजवाइन एक चुटकी और यह है फेज ज़ीरा आधा चाय का चम्मच ये भी ले लें और लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच जी फ्रेंड्स तो आप तमाम मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च ये भी मैं आधा चाय का चम्मच शामिल करती हूँ हल्दी आधा चाय का चम्मच और जी यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला है ये भी आधा चाय का चम्मच है घर का पिसा हुआ गरम मसाला है और ये है पेस्ट सब्ज़ मिर्च की पेस्ट है ये भी आप डाल लें एक चाय का चम्मच आप चाहें तो फ्रेश सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं अब इन तमाम को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर ले और पानी शामिल करते जाएँ आस्ता आस्ता से और एक पेस्ट बना लें पेस्ट आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियां बाकी ना रहे ये देखिए इस तरह की बस पेस्ट हमें चाहिए अब इसी पेस्ट इसी बेसन से तमाम मैं अपने जो पकोड़े हैं ना वो फ्राई करूँगी सबसे पहले आलू फ्राई कर लेते हैं तो आलू मैंने इस तरह से काट लिए हैं बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं आप चाहें तो आयल को पहले मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया था और अब इसे मैंने मीडियम लो पर रख दिया है और एक, एक आलू पकड़ कर आयल में शामिल करती जाऊंगी इस तरह से और तकरीबन दो से तीन मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहें तो आंच को बिल्कुल लो पे रख दें तो अब यहाँ पे मैं साइड चेंज कर लेती हूँ और दूसरी साइड से भी पकने देती हूँ तकरीबन तीन से चार मिनट तक जी फ्रेंड्स तो यहाँ पर एक ले लें किचन पेपर ले लें और इन पकौड़ों को निकाल दें ऑयल को अच्छी तरह से निकाल देना इस तरह से और आप जी यहाँ पर ऑयल भी साफ़ कर लेते हैं इस तरह से इसी तरह से बाकी बचे आलू भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और जब आलू आपने ऑयल में डालने हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा दूर रह के आलू को ऑयल में डालें और एक एक करके और आराम आराम से डालते जाना है इसकी चीनटें आपके ऊपर ना पड़े इस चीज़ की एहतियात किया करें और बच्चों को भी ऑयल के पास नहीं आने जी अब इनकी भी आज साइड चेंज कर लेती हूँ और दूसरी साइड पे पकने देती हूँ तीन से चार मिनट तक और यहाँ पर हमारे आलू के पकौड़े तैयार हैं ये देखें जी बहुत क्रिस्पी से बने हैं और यहाँ पर मेरे पास है गोभी गोभी को मैंने क्या किया था गोभी को मैंने उबाल लिया हुआ नमकीन पानी में उबाला था गोभी को तो अब गोभी को भी उसी बेसन में जो हमने बनाया था बेसन लगा कर एक एक फूल गोभी का पकड़ें और आराम से ऑयल में शामिल करते जाएं और गोभी बनाते हुए भी मैंने फ्लेम मीडियम लो पर ही रखा है और इसे भी तीन से चार मिनट तक एक साइड से पकने देती हूँ अब इसकी मैं साइड चेंज कर लेती हूँ गोभी की दूसरी साइड से भी पकने के लिए रख देती हूँ तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए जी फ्रेंड्स तो यहां पर गोभी के पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं इन्हें भी बाहर निकाल लेती हूँ और अगेन ऑयल को अच्छी तरह से साफ कर लें जी फ्रेंड्स तो अब बैंगन बैंगन के पकौड़े तैयार करते हैं जी बैंगन के पकौड़े कुछ इस तरह से तैयार करेंगे कि बैंगनों में थोड़े से प्याज और आलू भी शामिल कर लेंगे आलूओं को और इस तरह लंबा लंबा काट लें और इन्हें बैंगनों के साथ शामिल कर लें बैंगन मैंने गोल काटे हैं पुदीना चंद पुदीने के पत्ते ले लें और धनिया हंसवा जायका हंसब ज़रूरत भी ले लें जी फ्रेंड तो हाथों की मदद से अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और आप इस तरह मिक्स करके इन्हें रख भी सकते हैं आधा घंटे के लिए तकरीबन अब जी मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ अगेन वही के फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है और आपने आलू और बैंगन दोनों को इकट्ठा पकड़ना है और इस, आम, कढ़ाई में डालते जाना है दोनों दोनों चीज़ों को पकड़ना है जी यहाँ पर मैंने साइड चेंज कर लिया है और दो से तीन मिनट तक इन्हें भी पकने देती हूँ और यहाँ पर हमारे जी क्रिस्पी मज़ेदार से बैंगन आलू के पकौड़े तैयार हैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ आयल को अच्छी तरह से निकाल लीजिएगा और एक किचन पेपर पर पे रख दे ऑयल को भी साफ़ कर लेते हैं जी फ्रेंड्स तो यहाँ पर हमारे तीनों पकौड़े तैयार हैं आलू के और आलू बैंगन के और गोभी के ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार होते हैं और आप भी इसी तरह बना के बनाए रमजान इफ्तारी में बनाइएगा ज़रूर और मैंने तकरीबन 250 ग्राम बेसन से ये सारे पकोड़े बना लिए हैं काफ़ी ज़्यादा बन गए थे और मेरे पास अभी थोड़ा सा बच भी गया था वो फिर मैंने टाइम की कमी के बायस छोड़ दिए थे मैंने कचोरे का इतने काफ़ी हैं जी फ्रेंड्स तो कोई फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे हैं अल्लाह ताला सब के रोज़े खैर खरीत से गुजरे आज माशाल्लाह से हमारा ग्यारहवा रोज़ा है तो अल्लाह खैर रखे और जो बाकी रोज़े बच्चे हैं उनमें भी अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और अल्लाह हमारी इबादत कबूल करे अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें अपने बुज़ुर्गों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और अपने इर्द गिर्द भी देखा करें जो कोई है ज़रूरतमंद उनकी करें अच्छा खाएँ अच्छा खिलाएँ इसी के साथ इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़